हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11 फिजिक्स हिंदी मीडियम। आज हम 11 क्लास के हिंदी मीडियम की पढ़ाई करेंगे और हमारा टॉपिक है गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन। देखिए, इससे पहले हम गति के पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। गति के कॉन्सेप्ट के साथ हमने द्विविमीय गति मतलब प्रक्षेप गति, वृत्ति गति भी पढ़ लिया है। अब यह मैकेनिक्स का पोर्शन इसके आगे चलेगा। तो हमारा टॉपिक है गति के नियम। इस चैप्टर में हम गति के जितने रूल्स हैं जो न्यूटन ने दिए वो सब पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले हमको पढ़ना है बल का कॉन्सेप्ट, बल, फोर्स। बल सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है गति के लिए। और हम यहाँ पर देखते हैं बल। देखो, बल तो हम बहुत बार बचपन से सुने रहते हैं, लेकिन बल का प्रॉपर डेफिनेशन, एक्चुअली बल है क्या? बल बहुत ब्रॉड सेंस वाला टॉपिक है फिजिक्स में। और बल के बारे में आपको एक स्पेशल बात बता दूं कि बल को फिजिक्स में सबसे ज़्यादा अलग अलग नाम से जाना जाता है। आगे मैं बताते जाऊंगा कि बल को अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो एक्चुअल में फोर्स है क्या, फोर्स क्या काम करता है? तो एक कॉमन एग्जाम्पल आपको बताऊँ कि सपोज यहाँ पर मेरे पास कोई एक पिंड है, ये कोई वस्तु है। ये वस्तु यदि स्थिर अवस्था में यहाँ पर रखा है, यदि इस वस्तु को मेरे को यहाँ से खिसका के डिस्प्लेस करके यहाँ पर ले जाना है, तो उसके लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा। आपको मालूम है यहाँ बल लगाना पड़ेगा। तो बल ने क्या किया, इसके स्थिति में परिवर्तन किया। यहाँ था उसको वहाँ कर दिया। सपोज मेरे पास कोई वस्तु है, इस तरह से कोई वस्तु है। अब इसको मैं कुछ डिज़ाइन देना चाहता हूँ। इसको यदि मैं इस तरह से घन या घनाभ बनाना चाहता हूँ, सपोज इस तरह से मैं इसको घन या घनाभ बनाना चाहता हूँ, इस धातु का यह रूप देना चाहता हूँ, तब भी मुझे किसकी आवश्यकता होगी? बल की आवश्यकता होगी। उसको हथौड़े से मारूंगा, कुछ भी करूँगा, बल लगाऊंगा। इस तरह से आप पूरे ये सब एग्जाम्पल में आप ये देख रहे हैं कि बल का काम क्या है, परिवर्तन लाना। बल से परिवर्तन आता है। बिना बल लगाए हम कहीं भी परिवर्तन नहीं ला सकते। मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा कि न्यूटन्स के जो रूल हैं वो फिजिक्स में जितने अप्लाई होते हैं उससे कई गुना ज़्यादा हमारे डेली लाइफ। न्यूटन ने खुद कहा था कि मेरे जो रूल्स हैं वो नेचर के रूल्स हैं, मतलब ये निर्जीव चीज़ों पर जितना अप्लाई होते हैं उससे ज़्यादा सजीव चीज़ों पर होता है। हम भी अपने लाइफ में बिना फोर्स लगाए चेंज नहीं ला सकते हैं, फोर्स लगाना होता है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि बल का काम क्या है, परिवर्तन। इस तरह से बल का हम परिभाषा क्या कर सकते हैं, बल वह बाह्य कारक है। बाह्य क्यों? क्योंकि बाहर से लगाया जाता है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के स्थिति या आकृति, यहाँ स्थिति परिवर्तन हो रहा है, यहाँ आकृति में परिवर्तन होता है। तो किसी वस्तु के स्थिति या आकृति में परिवर्तन के लिए अनिवार्य होता है। या सीधा हम थोड़ा उसको साइंटिफिक वर्ड में कहें तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी पिंड के अवस्था परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे स्थिर वस्तु को गतिशील कर देगा और गतिशील वस्तु को स्थिर भी कर देगा, क्योंकि जब हम किसी गतिशील वस्तु पर ब्रेक अप्लाई करते हैं, ब्रेक लगाते हैं, वो भी बल है, तो स्थिर अवस्था में हो जाता है। तो बल बहुत ब्रॉड सेंस है फिजिक्स में। हम टू द पॉइंट उसका सटीक डेफिनेशन करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के स्थिति, स्थान या आकृति में परिवर्तन के लिए आवश्यक होता है, ये कहलाता है बल। आगे हम न्यूटन के नियम पढ़ने के बाद बल को अलग ढंग से और पढ़ेंगे। ये तो बल का एक सामान्य मीनिंग हुआ। तो आज के बाद आप समझना कि बल क्या है, एक एक्सटर्नल एजेंट है जो बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के स्थान या स्थिति परिवर्तन के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे इस चैप्टर का, वो है जड़त्व। जड़त्व और इंग्लिश में बोलते हैं इनर्सिया। जड़त्व, इनर्सिया। अब हम देखते हैं कि जड़त्व क्या है। जड़त्व हम किसे कहते हैं? देखिए, जड़त्व भी वस्तु का एक गुण है जिसके कारण वह अपने स्थान परिवर्तन का विरोध करता है। बल को क्या बताया, जो किसी में परिवर्तन कर देता है। और जड़त्व क्या है, परिवर्तन का विरोध करता है। परिवर्तन का विरोध करना ही क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है।
तो किसी भी वस्तु का या किसी भी पदार्थ का वह गुण जो अपने प्रारंभिक स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है, वस्तु के उस गुण को हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। और इस प्रकार से हम जड़त्व के प्रकार, यदि हम जड़त्व के प्रकार पर बात करें तो जड़त्व के हम तीन प्रकार बता सकते हैं। तीन प्रकार होते हैं इसके। पहला है स्थिर जड़त्व, या हम उसको रेस्ट इनर्शिया। सेकंड गति जड़त्व, स्थिर जड़त्व गति जड़त्व। और तीसरा है दिशा दिग जड़त्व, दिशा प्रदर्शित करने के लिए। ये तीन तरह के जड़त्व होते हैं। मतलब स्थिर जड़त्व का क्या मतलब हुआ? यदि कोई वस्तु स्थिर है, रेस्ट इनर्शिया, यदि कोई वस्तु स्थिर है, या विराम जड़त्व भी कहते हैं, स्थिर को विराम भी कहा जाता है, कई उसका तो पर्यायवाची बहुत सारे होते हैं, विराम जड़त्व भी कहते हैं अपन। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में हो या स्थिर अवस्था में हो, तो वह सदैव स्थिर अवस्था में रहना चाहता है, मतलब वह गति में नहीं आना चाहता। तो किसी स्थिर वस्तु के स्थिर अवस्था में रहने की जो प्रवृत्ति है, उसका वह जो गुण है वो क्या कहलाता है? स्थिर जड़त्व कहलाता है। गति जड़त्व का परिभाषा क्या हो जाएगा? यदि कोई वस्तु गतिशील है तो हमेशा क्या होता है? गतिशील रहना चाहता है, मतलब वो स्थिर नहीं होना चाहता है। और तीसरा जो जड़त्व होता है वो है दिशा। मतलब यदि किसी वस्तु पर, यदि कोई वस्तु इस दिशा में जा रही हो तो उसी दिशा में जाना चाहती हो, अपने दिशा में परिवर्तन का विरोध करती है। इस प्रकार से ये जो विरोध है, अपने पोजिशन का विरोध ही क्या है? जड़त्व है। स्थिर स्थिर रहना चाहता है, गतिशील गतिशील रहना चाहता है, और जो जिस दिशा में जाता है उस दिशा में जाना चाहता है। तो इस प्रकार से हम जड़त्व को तीन प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। लेकिन जड़त्व तब तक ही लागू होता है जब तक हम उसमें क्या करें? बाह्य बल न लगाएं। बाह्य बल लगाने पर ये अपनी प्रवृत्ति को छोड़ सकते हैं। जैसे ह्यूमन बिहेवियर में यदि कोई आदमी कुछ करना नहीं चाहता, कुछ वर्क नहीं करना चाहता, डल है, पढ़ना नहीं चाहता, तो नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन कब तक? जब तक उसमें कोई बाह्य बल ना लगाए। अब उसको कोई मोटिवेट करे, कोई टीचर उसको पढ़ाए, पेरेंट्स मोटिवेट करें, तो हो सकता है क्या करता है, अपने नेचर में परिवर्तन कर सकता है। वो मैं आपको बताया कि ह्यूमन बिहेवियर में भी लागू होता है। एग्जैक्टली यहाँ पर ये जो जड़त्व के तीन प्रकार हैं वो तभी तक है जब तक उसमें बाह्य बल न लगाएं। इस बात को लेके न्यूटन ने अपना पहला नियम दिया, जिसको हम न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं। इससे रिलेट करते हुए मैं आपको पढ़ाता हूँ उसको, न्यूटन का प्रथम नियम जिसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो न्यूटन ने अपने प्रथम नियम में, देखिए न्यूटन के बहुत से नियम ऐसे हैं जिसकी कोई गणितीय गणना नहीं है, उनका थ्योरी ही अपने आप में कंप्लीट प्रूव्ड है। तो न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है? यदि कोई वस्तु स्थिर है तो सदैव स्थिर अवस्था में रहना चाहती है, तथा यदि कोई वस्तु गतिशील है तो सदैव उसी दिशा में उसी वेग से गतिशील रहना चाहती है, जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। उन्होंने शर्त लगाया उसमें, जब तक उसमें कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। दैट मीन्स यदि हम उसमें बाह्य बल लगाएं तो वह अपने स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। इस प्रकार से जो जड़त्व के तीन रूप हैं उसको लेकर न्यूटन ने अपना प्रथम नियम बनाया। एक बार और ध्यान से सुनिए, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो सदैव स्थिर रहना चाहती है, तथा यदि कोई वस्तु गतिशील है तो हमेशा उसी वेग से उसी दिशा में गतिशील रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। अब इसका हम कुछ उदाहरण देखें कि दैनिक जीवन में इसके बहुत से उदाहरण हैं। देखिए, एक मैं कुछ उदाहरण आपके अप्रोच के बताते जा रहा हूँ जिसको आप समझना। सबसे एक अच्छा एग्जांपल ये है कि सपोज हम अपने पास एक इस तरह से कोई ग्लास ले लें, इस तरह से पानी पीने का ग्लास, या फिर कोई भी कंटेनर ले लें और उसके ऊपर में एक हम कार्ड रख दें। इस प्रकार से हम उसके ऊपर में कार्ड रख दिए, ये कार्ड इस ग्लास के ऊपर रखा हुआ है, और एक ग्लास के ऊपर में हम एक क्वाइन रख देते हैं, सिक्का। यहाँ हमने एक सिक्का रख दिया, ये ब्लू कलर से आप देख रहे हो, वो सपोज कोई सिक्का है। अब यदि हम क्या करें,
इस कार्ड को बल लगाकर तेजी से इधर खींचे, इसमें बल लगाए और तेजी से खींच दिए। तो इस प्रयोग में हम देखेंगे, आप करके देख सकते हो या बचपन में आपने इसको पढ़ा होगा। देखिए, जो चैप्टर में आपको पढ़ा रहा हूँ इसको आप पहले भी नाइन्थ क्लास या लोअर क्लास में पढ़े हैं, लेकिन इस क्लास में हम उसको थोड़ा गहराई से पढ़ेंगे, धीरे धीरे उसके डेप्थ में जाएंगे। आज पहला दिन का क्लास तो मेरा बेसिक फंडामेंटल है। तो इसमें हम बल लगाएंगे, तो बल लगाने से क्या होगा, ये कार्ड आगे खिसक जाएगा और ये सिक्का क्या होता है, नीचे गिर जाता है। तो ये जड़त्व को डिफाइन करता है एक्सपेरिमेंट। कैसे? क्योंकि कार्ड को हम बल लगाए तो कार्ड तो गति अवस्था में आ गया, लेकिन इसमें रखा हुआ जो सिक्का है वह स्थिर रहना चाहता है, क्योंकि हम इसमें बल नहीं लगा रहे हैं, जिसके कारण वह क्या होता है, नीचे गिर जाता है और ये कार्ड आगे खिसक जाता है। क्लियर? इसके बाद आपने कुछ एग्जांपल इस तरह से देखा होगा कि जैसे कंबल है या कोई भी कपड़ा है जिसको हम छड़ी से मारें या इस तरह से झटका दें या गीले कपड़े को इस तरह से झटका दें, तो गीले कपड़े से जो पानी के कण हैं, वाटर ड्रॉप्स हैं, वो अलग हो जाते हैं। क्यों? और कपड़ा सूख जाता है। या धूल के कण कंबल से निकल जाते हैं। कैसे होता है कि जैसे हम उसको झटका देते हैं तो कंबल तो गति में आ गया, लेकिन कंबल के अंदर में जो पार्टिकल्स हैं डस्ट के, जो धूल के कण हैं, वो स्थिर अवस्था में रहना चाहते हैं, जिसके कारण दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये सब बहुत कॉमन एग्जांपल है। मैंने बोला कि न्यूटन के जितने रूल्स हैं वो सबसे ज़्यादा हमारे डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, है ना। और कुछ एग्जांपल, जैसे हम मान लो किसी स्थिर वाहन में खड़े हैं, कार में बैठे हैं या अपने दोस्त के साथ में बाइक में पीछे बैठे हैं, और गाड़ी जब अचानक चलती है तो हम ऐसा पीछे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे कमर का नीचे का जो हिस्सा होता है वो जो व्हीकल से अटैच्ड होता है वो तो मोशन में आ जाता है, वो गति में आ जाता है, लेकिन कमर से ऊपर का जो हिस्सा जो फ्री रहता है वो स्थिर रहना चाहता है, जिसके कारण वो पीछे हो जाता है और सामने का पोर्शन आगे चला जाता है, हम पीछे झुक जाते हैं। इसका जस्ट अपोजिट एग्जांपल है, यदि हम किसी गतिशील वाहन में हैं और वहाँ कोई अचानक ब्रेक लगा दे तो हम ऐसा आगे की ओर झुक जाते हैं। क्यों ऐसा झुक जाते हैं? क्योंकि बॉडी का नीचे का पोर्शन जो व्हीकल से अटैच है वो रेस्ट में आ जाता है, लेकिन ये ऊपर का हिस्सा गतिशील रहना चाहता है तो आगे बढ़ जाता है। एक बढ़िया एग्जांपल आपको बता रहा हूँ मैं कि सपोज हम किसी ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। मैं बचपन में यह सोचता था, इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ। जैसे हम देखिए, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको क्लासरूम में नहीं, क्लासरूम से बाहर पढ़ा जाता है। क्लासरूम में तो टीचर या बुक्स हमको सिर्फ एक फैक्ट बताते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट फिजिक्स के इन सिद्धांतों को अपने लाइफ में, नेचर में, व्यवहार में एप्लीकेशन उसका देखता है कि हाँ भाई, ये चीज़ मैं पढ़ा था यहाँ हो रहा है, ये चीज़ मैं पढ़ा था यहाँ पर ये चीज़ दिख रहा है, तो फिर उसमें दो फायदे हैं। एक तो आपको मज़ा आएगा सब्जेक्ट को पढ़ने में, दूसरा फायदा आपका कॉन्सेप्ट बहुत डेप्थ तक क्लियर होगा, बहुत गहराई तक उन चीज़ों को आप समझेंगे। और केवल शब्दों को, फिजिक्स शब्दों को ब्रेन में स्टोर करने का सब्जेक्ट नहीं है, उनको फील करने का सब्जेक्ट है, उनको अनुभव करने का सब्जेक्ट है। तो देखिए, कुछ एग्जांपल मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि जैसे आपने देखा होगा या मैं सोचता था, जो बोला कि हम ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, सपोज हमारी ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गतिशील है। अब मैं क्या किया, अपने पॉकेट से कॉइन निकाला और कॉइन के ऊपर टॉस कर दिया। ये मैं सोचता था, आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप भी कभी सोचे होंगे या फिर आपके दिमाग में बात होगी। फिर मैं सोचता था कि वो कॉइन तो मेरा अब हवा में है, जितने देर भी रहेगा, चाहे वो 1 सेकंड के लिए है, 2 सेकंड के लिए है, 30 सेकंड के लिए रहे, हवा में रहेगा। अब उसको मैं उछाल दिया, अब वो हवा में है और मैं तो ट्रेन के साथ में अटैच हूँ, तो मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। और जो कॉइन है अब वो तो हवा में आ गया, अब तो किसी के अटैचमेंट में नहीं है, फ्री पोजिशन पर है, ना ट्रेन से अटैच है, ना मेरे बॉडी से अटैच है, तो कॉइन को पीछे हो जाना चाहिए और मुझे आगे, फिर हथेली में उस कॉइन को नहीं गिरना चाहिए। ये मैं कभी डीपली ये बात सोचता था, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। अब उसको मैं फिजिक्स को गहराई से पढ़ने के बाद समझा कि हम कॉइन को जब ऊपर उछालते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर जड़त्व तो बहुत अच्छे से डिफाइन होता है। देखिए, वो कॉइन मेरे बॉडी, मैं व्हीकल से अटैच हूँ, यदि व्हीकल का स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है तो मेरा भी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है। कॉइन मेरे पॉकेट में है तो वो भी 100 किलोमीटर पर आवर से है। अब मैं उसको जब उछाल दिया तो भले ही मेरे कॉन्टैक्ट से अलग हो गया,
लेकिन उसका स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है। क्यों? क्योंकि जो वस्तु गतिशील रहना चाहती है वह उसी वेग से उसी दिशा में गतिशील रहना चाहती है। तो सिक्का भले ही मेरे बॉडी से अलग हो गया लेकिन अभी हवा में भी उसका स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है। तो मैं भी 100 किलोमीटर पर आवर में हूँ, वो भी 100 किलोमीटर पर आवर है, तो मेरे हथेली में गिरेगा नेचुरली। जबकि मैं कभी बचपन में सोचता था कि सिक्का ऊपर जाने के बाद तो मेरे से अलग हो गया तो सिक्के को पीछे चले जाना चाहिए, मुझे आगे चले जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकली, क्योंकि उसकी गति स्थिर नहीं है, वह उसी वेग से गतिशील है। तो इसके बहुत से एग्जाम्पल हैं, मेरा आपको सजेशन है, इसके तो 15-20 एग्जाम्पल हैं। ये एग्जाम्पल मैं 5-7 आपको बता दिया, और भी अपने बुक से रीडिंग कीजिए, और कभी आपको किसी एग्जाम्पल को समझने में प्रॉब्लम आता है तो टू बी वेरी फ्रेंक मेरे से आप इसको कमेंट्स वगैरह में लिख के डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बाकी आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये हो गया जड़त्व। अब देखिए न्यूटन के प्रथम नियम के बाद हमको पढ़ना है न्यूटन का द्वितीय नियम। न्यूटन के द्वितीय नियम को पढ़, द्वितीय नियम सबसे इंपॉर्टेंट नियम है इनका। द्वितीय नियम को पढ़ने से पहले हमको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और वो है संवेग। संवेग का कॉन्सेप्ट देखिए, संवेग भी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इस क्लास में संवेग को बहुत डिटेल में पढ़ना है, मोमेंटम। लेकिन आज मैं उसको डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, आज मैं सिर्फ इसको इतना पढ़ा रहा हूं जितना हमको न्यूटन के नियम में जरूरत पड़ेगा। इसके बाद फिर हम एक बार संवेग पढ़ेंगे और वहां पर संवेग संरक्षण का सिद्धांत, और संवेग संरक्षण के सिद्धांत का सबसे बड़ा एप्लीकेशन रॉकेट नोदन, रॉकेट प्रपल्शन। जो हम रॉकेट छोड़ते हैं स्पेस में जाने के लिए या फिर सैटेलाइट को अपने ऑर्बिटल में ले जाने के लिए, वो सब क्या होता है इसी सिद्धांत पर। लेकिन अभी उतनी डेप्थ में नहीं जाएंगे, आगे जाएंगे, अभी हम बताएं सिर्फ संवेग क्या है। तो संवेग का मतलब होता है, यदि मैं इसके शब्दों के अर्थ पर आपको समझाऊं तो स से होता है सहति। सहति मतलब क्या होता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम सहति कहते हैं। द्रव्यमान के दो नाम हैं, द्रव्यमान या सहति, इंग्लिश में मास। ये सहति हो गया। और दूसरा पार्ट है ये क्या? वेग। सहति और वेग, वेग आप सबको पता है, जिसको हम द्रव्यमान या मास कहते हैं सहति को। तो संवेग का जो फार्मूला होता है वो है संवेग बराबर सहति, स से सहति और गुणित वेग, या उसको कह सकते हैं द्रव्यमान गुणित वेग, जिसको जैसा कहना है। तो क्या परिभाषा हो जाएगा? किसी पिंड की सहति माने उसका द्रव्यमान मास, और उस पिंड के वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। क्लियर? मतलब यदि कोई पिंड गतिशील है तो उस गतिशील पिंड का जितना द्रव्यमान होगा और उस गतिशील पिंड का जितना वेग होगा, उन दोनों के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। और संवेग को हम पी से प्रदर्शित करते हैं, और पी बराबर होता है एम इंटू वी। एम संकेत है मास के लिए और वी संकेत है किसके लिए? वेलोसिटी के लिए। और संवेग क्या होता है? सदिश राशि होता है, आप ध्यान में रखना, यह सदिश राशि है। क्लियर? संवेग की दिशा होती है। अब यहां पर हम संवेग का कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, जो स्पेशल नोट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आ सकता है। देखिए बहुत से स्टूडेंट्स लोग की इंक्वायरी होती है, बहुत से स्टूडेंट्स लोग मुझे मेरे चैनल पर, हो सकता है कुछ स्टूडेंट 12th पास हो गए होंगे और IIT JEE नीट का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कुछ 11th में होंगे, कुछ 12th में होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स हैं। तो उन लोग मुझे बोलते हैं कि सर सीधा आप मल्टीपल चॉइस करा दीजिए न्यूमेरिकल। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दूं कि यदि आपको फिजिक्स के चैप्टर का एक एक चीज ढंग से समझ में नहीं आया है तो आगे फिर वो कोई काम का नहीं है। इसलिए किसी भी टॉपिक पर मैं इस तरह से नोट आपको बताता हूँ, कोई स्पेशल कंडीशन बताता हूँ, कोई केस बताता हूँ, वो सबको आप थोड़ा ध्यान से समझिए, यही सब आपको आगे सपोर्ट में आएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर मैं दो कंडीशन आपको बता रहा हूँ, नोट करके स्पेशल आप ध्यान रखना। पहला ये कि सपोज हमारे पास दो पिंड है, एक पिंड ये छोटा सा है इसका द्रव्यमान स्मॉल एम है, और एक बड़ा पिंड है इसका द्रव्यमान सपोज ये कैपिटल एम है। इस तरह से दो पिंड हैं, दोनों गतिशील हैं, इस पिंड का वेग सपोज स्मॉल भी है और इस पिंड का वेग, या वेग को मैं भी बराबर ही ले रहा हूँ, इसका वेग भी है, इसका वेग भी है, दोनों के वेग समान है। यहाँ पर ध्यान रखना, दोनों का वेग समान है। तो पहले पिंड का, ये फर्स्ट पिंड है, ये सेकंड नंबर का पिंड है, तो पहले पिंड का संवेग P1 बराबर हो जाएगा m इंटू वी, रिलेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर, दोनों को वेग समान है लेकिन द्रव्यमान अलग अलग है। अब दूसरे पिंड का संवेग क्या हो जाएगा, P2 बराबर उसका द्रव्यमान और वेग, तो दोनों का बराबर है, मैंने पहले बता दिया कि वेग दोनों के समान है। Therefore, यदि एक में दो को भाग दे दूं मैं, तो P1 अपॉन P2 इक्वल टू हो जाएगा m कैपिटल V अपॉन कैपिटल m कैपिटल V, ऐसा हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ से ये दोनों V तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा P1 अपॉन P2 इक्वल टू m अपॉन m, ये मिलेगा। और यहाँ से आप थोड़ा ध्यान से समझना, चूंकि यहाँ पर देखो स्मॉल m लेस देन है कैपिटल m के, क्योंकि ये हल्का पिंड है, यहाँ चित्र भी बनाया है मैंने, और ये भारी पिंड है, तो भिन्न की प्रॉपर्टी से राइट साइड का अंश यदि हर से छोटा होगा तो लेफ्ट साइड का भी अंश हर से छोटा होगा, तो इसलिए हम लिख सकते हैं P1 इज लेस देन P2। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे जो निष्कर्ष निकलता है वो इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है कि यदि दो पिंड समान वेग से गतिशील हों, यदि दो पिंड समान वेग से गतिशील हों, तो हल्के पिंड का जो संवेग होता है वह भारी पिंड के संवेग से कम होता है। तो ये तो हुआ कॉन्सेप्ट। अब इसका एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज एक कार है और ट्रेन, कार और ट्रेन, सपोज कार का स्पीड भी 100 किलोमीटर पर आवर है और ट्रेन का स्पीड भी 100 किलोमीटर पर आवर है, दोनों समान वेग से किसी दिशा में गतिशील हैं, लेकिन आपको पता है कि कार का जो मास है वो ट्रेन के मास से बहुत कम होता है, इसलिए दोनों समान वेग से गतिशील होने के बाद भी कार का संवेग वो ट्रेन के संवेग से कम होगा। इसीलिए ब्रेक अप्लाई करके कार को, ट्रेन को कार की तुलना में रोकना कठिन होता है। या हम कहें कि मान लो अब इसके बाद क्या है, कार का ड्राइवर और ट्रेन का ड्राइवर दोनों क्या करें, अपना इंजन ऑफ कर दें, दोनों अपना इंजन बंद कर दें और उसको उसके बाद फ्री आगे मोशन करने दें, तो कार कम दूरी जाके रुक जाएगी और ट्रेन बहुत दूर तक ट्रेवल करती रहेगी। क्यों, वेग तो समान थे। ये कॉन्सेप्ट को आप पकड़िए ना, ये सब आपको न्यूमेरिकल्स, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स कॉन्सेप्ट वाइज ना, मैं बहुत गहराई से इस पर डिस्कस करूंगा, थोड़ा ध्यान समझना क्योंकि लास्ट में धीरे धीरे बहुत डिफिकल्ट होगा चैप्टर। तो यहाँ पर कार को हम कम दूरी में रुक जाएगा, ट्रेन अधिक दूरी में रुकेगा, क्योंकि कार का संवेग ज़्यादा था, तो वेग के लिए संवेग भी इम्पॉर्टेंट है। उसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि यदि कार का ड्राइवर अपनी कार को रोकना चाहे तो बहुत आसानी से 100 किलोमीटर की स्पीड को तुरंत ब्रेक अप्लाई करके वो रेस्ट में ला सकता है, लेकिन ट्रेन का ड्राइवर तुरंत ब्रेक अप्लाई करके उसको स्थिर अवस्था में नहीं ला सकता, जबकि दोनों का वेग समान है, क्योंकि उसका संवेग ज़्यादा है। इसीलिए आपने देखा होगा कि ट्रेन के ड्राइवर को पता चल जाता है कि ट्रैक में सामने कुछ ही दूरी पर जानवर खड़े हैं या फिर कोई आदमी खड़ा है, उसको पूरा पता चल जाता है, लेकिन वो सडन ब्रेक अप्लाई करके ट्रेन को नहीं रोक सकता, जबकि कार का ड्राइवर ऐसा रोक लेता है, क्योंकि संवेग में डिफरेंस है। तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना कि हल्के पिंड का संवेग भारी पिंड से कम होता है वेग बराबर होने के बाद भी। इसमें पहले नोट में मैं बता रहा हूँ कि वी क्या है, समान है, दोनों का वेग समान होने के कंडीशन में। क्लियर, इसके बाद इसके सेकंड केस पर हम डिस्कशन करते हैं संवेग के।
सेकंड नंबर का केस है देखो यही कि मान लो दोनों पिंड क्या है संवेग बराबर है उसका। एक पिंड यह है पहला नंबर का पिंड, इसका मास स्मॉल एम है, ये दूसरे नंबर का पिंड है इसका कैपिटल एम है। पहले पिंड का जो वेग है वो स्मॉल भी है, दूसरे पिंड का वेग क्या है कैपिटल भी है। स्मॉल स्मॉल वाला छोटा है, कैपिटल वाला बड़ा है, ऐसा संकेत में यूज करना, वन टू भी कर सकते हैं। अब पहले का संवेग पी वन, पहले पिंड का संवेग पी वन इक्वल टू एम इंटू वी होगा और दूसरे का संवेग पी टू इक्वल टू एम इंटू वी होगा। और अब यहाँ पर हम कंडीशन अप्लाई करें, यदि पी वन बराबर पी टू हो, मतलब दोनों के संवेग बराबर हो। दूसरा जो कंडीशन मैं बता रहा हूँ उसमें पी समान है, दोनों के संवेग समान है, तो उस कंडीशन में क्या होता है देखिए, दोनों का मान यदि हम भर दें तो पी वन का मान ये भर दें अपन तो क्या हो जाएगा एम वी, और पी टू का मान हो जाएगा कैपिटल एम इंटू वी, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम दोनों का तुलना करें तो देयरफॉर यदि मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूँ तो कैपिटल एम अपान स्मॉल एम ये हो जाएगा, और इधर इसको ट्रांसफर कर दूँ तो स्मॉल वी अपान कैपिटल वी हो जाएगा। यहाँ पर देखो मतलब मास का वेलोसिटी के साथ व्युत्क्रमानुपातिक संबंध है, क्योंकि इसका साथी नीचे आ गया और इसका ऊपर चला गया, मतलब इसमें व्युत्क्रमानुपातिक संबंध है। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है, यहाँ से निष्कर्ष निकलता है यदि दो पिंड भिन्न भिन्न द्रव्यमान के हैं और दोनों के वेग भी भिन्न भिन्न हैं तो दोनों के संवेग समान होने के कंडीशन में, दोनों के संवेग समान होने के कंडीशन में यहाँ पर देखो ये कैपिटल एम बड़ा है स्मॉल एम से, तो यहाँ पर देयरफॉर स्मॉल वी बड़ा हो जाएगा कैपिटल वी से। क्या निष्कर्ष निकला इससे कि दो पिंड का यदि संवेग समान हो तो भारी पिंड, ये भारी पिंड है, का वेग हल्के पिंड से कम होता है या हल्के पिंड का वेग भारी पिंड से अधिक होता है। मतलब क्या हुआ इसका, अब एग्जांपल में समझो, यहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा भाई, एग्जांपल समझो कि कार है और ट्रेन है, ये दोनों के एग्जांपल आपको मैं लेता हूँ। कार और ट्रेन है हमारे पास, दोनों को संवेग बराबर है। यदि दोनों का संवेग बराबर है तो हल्की वस्तु कौन है कार और भारी वस्तु क्या है ट्रेन, तो हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु से क्या होगा ज़्यादा होगा, मतलब कार का वेग अधिक होगा किसे ट्रेन से, संवेग बराबर होने के कंडीशन में। यहाँ पर एक बार आपको रिपीट करता हूँ, ध्यान से समझना, ये कार है सपोज, ये ट्रेन है, इसका संवेग एम वी होगा, इसका संवेग ये एम वी, दोनों को यदि हम संवेग को बराबर कर दें तो ये कंडीशन आएगा। स्मॉल एम को आप कैपिटल एम के नीचे ले जाइए तो कैपिटल एम अपन स्मॉल एम और कैपिटल वी इसके नीचे आ जाएगा। मतलब मास का वेलोसिटी के साथ व्युत्क्रमानुपातिक संबंध होता है, कहने का मतलब सिंगल वर्ड में बोलूँ आपको तो संवेग समान होने के कंडीशन में हल्की पिंड का वेग भारी पिंड से अधिक होता है, हल्की पिंड का वेग भारी पिंड के वेग से अधिक होता है। क्लियर, ये ध्यान रखना। तो ये संवेग के दो स्पेशल कंडीशन है, बाकी संवेग को हम आगे डिटेल में और पढ़ेंगे भी, इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है अपने को। अब इसका यूज करके न्यूटन के हम दूसरे रूल को पढ़ते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ में जो बताया वो बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी के रूल के बेस पर आगे बहुत से डिवाइस बने, बल का सिस्टमेटिक डेफिनेशन आया। ये हम देखते हैं न्यूटन के द्वितीय नियम से। न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है, देखो न्यूटन ने अपने द्वितीय नियम में बताया कि संवेग परिवर्तन की दर, मतलब यदि किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन हो रहा हो, इसीलिए मैंने पहले संवेग पढ़ाया, संवेग परिवर्तन की दर पिंड पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, तथा यह परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। क्लियर, तो यदि हम शब्दशः कहेंगे
तो सबसे पहले उसके कथन में यही बात कहेंगे, समय परिवर्तन की दर। अब उसको गणितीय रूप यदि हम लिखें तो किस तरह से लिख सकते हैं, देखो मान लो किसी पिंड का संवेग P है। इसको मैं दो तरीके से आपको प्रूफ करके बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम कैलकुलस के मेथड से समझ नहीं पाते, तो मैं एल्जेब्रिक मेथड से आपको इसको पहले समझा रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मेथड फर्स्ट लिख देता हूँ मैं आपको, अपने हिसाब से आप पढ़ें जो आपको ईजी लगेगा। तो मान लो हमारे पास कोई पिंड है जिसका वेग प्रारंभिक वेग वी है या वी वन है, बाद का वेग वी टू है, उस पर लगाया गया बल एफ है, उसका द्रव्यमान एम है, समय टी है, ये सब वेरिएबल को मैंने मान लिया। तो संवेग परिवर्तन की दर, ठीक है, या इसको यू भी मान लीजिए, प्रारंभिक वेग यू अच्छा समझ में आता है आपको, अंतिम वेग भी। तो संवेग में परिवर्तन की दर कितना हो जाएगा, संवेग परिवर्तन, अब मैं यहां निकाल देता हूं, संवेग में परिवर्तन, ठीक है। तो पहले इसका संवेग कितना होगा दूसरे पिंड का, एम वी और माइनस एम यू, ये अंतिम संवेग ऋण प्रारंभिक संवेग, तो संवेग में परिवर्तन इतना हो जाएगा। इसलिए संवेग परिवर्तन की दर, इसलिए संवेग परिवर्तन की दर, और दर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, समय का भाग देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। इसलिए न्यूटन के नियम से जो न्यूटन ने बताया, क्या बताया, कि संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। तो यह हो गया बल समानुपाती एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, ऐसा लिख सकते हैं। दैट इंप्लाइज एफ प्रोपोर्शनल टू एम को कॉमन कर लूं, यह हो जाएगा वी माइनस यू अपॉन टी। दैट इंप्लाइज एफ प्रोपोर्शनल टू, ये एम है और ये है वेग परिवर्तन की दर, अंतिम वेग में प्रारंभिक वेग बटे समय, जिसको हम क्या कहते हैं, त्वरण। तो इसको लिख सकते हैं एम इंटू ए, ये एम इंटू ए हो गया। इस प्रकार से आप देखो, दैट इंप्लाइज, अब इस समानुपात को हम बदल के यदि कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दें तो के कांस्टेंट हो जाएगा, तो एफ इक्वल टू के इंटू एम इंटू ए। अब न्यूटन ने बताया कि यदि इनका जो बल नियतांक है वो इकाई के बराबर हो तो एफ बराबर हो जाएगा एम इंटू ए, और शब्दों में हम इसको कह सकते हैं बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। इस प्रकार से बल का क्या परिभाषा हो गया, किसी पिंड के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। और इसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन के नाम के आधार पर न्यूटन कहते हैं, और न्यूटन का मतलब कितना होता है, केजी पर मीटर इंटू सेकंड इनवर्स, ठीक है। देखो दोनों के मात्रक को लिख दो तो इंटू में रहेगा ना, मीटर इंटू, और त्वरण का मतलब क्या होता है, त्वरण मतलब वेग परिवर्तन की दर, वेग बटे समय, ठीक है। तो वेग का मतलब है मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड इनवर्स, तो केजी मीटर सेकंड टू द पावर टू, ऐसा लिख सकते हैं। और इतने को देखे, किसी भी साइंटिस्ट के नाम से जो मात्रक आता है वो उनके सम्मान में आता है, पर न्यूटन तो साइंटिस्ट का नाम है, न्यूटन कोई मात्रक कैसे हो सकता है, लेकिन हम केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही क्या कह देते हैं, न्यूटन कह देते हैं। कभी आपको ये पूछा जाए कि न्यूटन क्या है, तो न्यूटन बल का मात्रक है जो इसके बराबर होता है, केजी मीटर सेकंड पावर माइनस टू, ये है बल और उसका मात्रक। अब इसको मैं इसको दूसरे तरीके से बता दूं, सेकंड मेथड से, फिर मैं वन न्यूटन का डेफिनेशन आपको बताऊंगा। मेथड टू, ये आसान है लेकिन कई बार कैलकुलस में बहुत छोटा होने के कारण कई स्टूडेंट्स या टीचर्स बचना चाहते हैं कि सर डिटेल नहीं हुआ, कुछ नहीं, कैलकुलस में बहुत आसान होता है। देखिए एफ प्रोपोर्शनल टू डी पी अपॉन डी टी, न्यूटन के नियम से।
पी संवेग है, टी टाइम है। तो यदि हम संवेग का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कहलाएगा दर। तो संवेग परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होता है। आगे यदि हम इसको सॉल्व करें तो दैट इंप्लाइज एफ प्रोपोर्शनल टू डी बाई डी टी और संवेग बराबर होता है एम इंटू वी। ये हो जाएगा दैट इंप्लाइज एफ प्रोपोर्शनल टू एम को हम बाहर कर दें तो यह हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी। दैट इंप्लाइज एफ, अब इसको हम कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ इक्वल टू के इंटू एम और डी वी बटे डी क्या होता है, त्वरण होता है, हमको मालूम है डी वी बटे डी टी कैलकुलस में त्वरण होता है। देयरफॉर के वन हो तो एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणित त्वरण, यही फार्मूला आ जाएगा। और इसका भी यूनिट क्या होगा, न्यूटन, वही है। अब यहाँ से हमको परिभाषा करना है एक न्यूटन का, ये ध्यान रखना। एक न्यूटन का परिभाषा बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, इस तरह से पूछना चाहिए न्यूटन का द्वितीय नियम लिखो तथा इसकी सहायता से सिद्ध करो कि बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, और उसकी सहायता से एक न्यूटन की परिभाषा लिखो। तो एक न्यूटन का परिभाषा क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से समझना। यहाँ पर यदि हम मास को इकाई ले लें, यदि पिंड का द्रव्यमान एक किलोग्राम हो तथा पिंड का त्वरण एक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो उस कंडीशन में एफ बराबर होता है एक न्यूटन। इस तरह से यदि आपको पूछा जाए कि एक न्यूटन क्या होता है, एक न्यूटन किसे कहते हैं, तो आप कैसे परिभाषित करेंगे। एक न्यूटन वह बल है या बल का वह मान है, न्यूटन बल का मान है, एक न्यूटन बल का वह मान है जो एक किलोग्राम के पिंड में एक मीटर पर सेकंड के त्वरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक होता है। क्लियर। या उसको मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो क्या कह सकता हूं, एक किलो द्रव्यमान के पिंड में एक मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए जितने बल की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, एक न्यूटन। कई तरह से कह सकते हैं। देखो, समझा हुआ चीज 50 तरीके से कहा जा सकता है, लेकिन रटा हुआ चीज भूलने पर एक भी तरीके से नहीं कहा जा सकता। इसलिए मैं हमेशा अपने क्लास में जोर देता हूं कि आप सिचुएशन को समझो, चीजों को समझो। भाई यहां क्या हो रहा है, यहां हो रहा है कि हमारे पास एक किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड है और उस एक किलोग्राम के द्रव्यमान के पिंड में मैं एक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करना चाहता हूं, तो बल का जरूरत पड़ेगा, पड़ेगा ना। तो जितने बल का जरूरत पड़ेगा वही बल एक न्यूटन है। क्लियर। ये सिचुएशन को आप ब्रेन में बिठाओ। अब उसको हम शब्दों में कह दो, एक किलोग्राम के पिंड में एक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का त्वरण उत्पन्न करने के लिए जितने बल की आवश्यकता होती है उसे हम एक न्यूटन कहते हैं। क्लियर। ये कहलाता है एक न्यूटन, क्योंकि एक न्यूटन का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्कूल में अपनी 11th क्लास को तो आप नॉलेज के हिसाब से पढ़ो कि एक न्यूटन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए एक न्यूटन एक बल है जो एक किलोग्राम के पिंड में एक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण करने के लिए आवश्यक होता है। यह है न्यूटन का सेकंड लॉ, और इसकी सहायता से आप ध्यान रखना बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। यहीं से एक्चुअल में बल का रियल कॉन्सेप्ट आया, इसका हम आगे और यूज करेंगे। एक्चुअल में आज के पहले दिन के क्लास में मैं न्यूटन के तीनों रूल के बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा गति के नियम का, और फिर संवेग संरक्षण का सिद्धांत, रॉकेट, नोदन, आवेग वगैरह, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ लेते हैं इनके तृतीय नियम को। क्लियर। जो कि एक लाइन का है, कोई गणितीय गणना नहीं है और बहुत ही व्यवहारिक है। यहीं पर लिख देता हूं मैं, बाकी तो छपा हुआ है। न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन्स थर्ड लॉ।
न्यूटन का तृतीय नियम हर कोई जानता है और केवल एक लाइन का है और फिजिक्स से ज़्यादा हमारी जिंदगी में उपयोग में है। क्या? प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। किसी को गाली देंगे हमको भी गाली देगा, किसी को प्यार से बात करेंगे हमसे भी प्यार से बात करेंगे, है ना? डेली लाइफ बिहेवियर होता है, जैसे फिजिक्स में होता है। न्यूटन ने बोला हर क्रिया के प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। बस एक लाइन की स्टेटमेंट है लेकिन बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है, बहुत ज़्यादा इसका उपयोग है कि क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। किस तरह से, देखिए इसके भी डेली लाइफ में एग्जाम्पल आप बुक में पढ़ना। सपोज हमारे पास ये कोई टेबल है, ये सपोज आप टेबल इमेजिन कर लो, इस तरह से टेबल रखा हुआ है और इस टेबल में सपोज कोई वस्तु रखा है। सपोज इसमें हम एक बुक रखे हुए हैं, ये कोई बुक रखा हुआ है टेबल में, ये पहला वस्तु है, टेबल दूसरा वस्तु है। सपोज मैंने बुक को पहला वस्तु माना और टेबल को दूसरा वस्तु माना, तो यहाँ पर यह जो बुक जो है टेबल पर बल लगाएगा एफ, जिसको हम कहेंगे F12, माने पुस्तक के द्वारा टेबल पर लगाया गया बल। तो टेबल भी क्या करेगा, पुस्तक के ऊपर बल लगाएगा, इसको कहेंगे F21, मतलब दूसरे पिंड के द्वारा पहले पर लगाया गया बल। और न्यूटन के अनुसार F12 इक्वल टू माइनस F21 होगा, क्योंकि न्यूटन ने कहा था प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत, ये ऋण चिन्ह बता रहा है विपरीत, ये एक नीचे है तो दूसरा ऊपर है। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन, इसलिए जब हम स्प्रिंग पर जंप करते हैं तो स्प्रिंग हमको ऊपर उछाल देता है। या एक कॉमन आप एग्जांपल इस तरह से, कभी कुएं से यदि आपने पानी वगैरह निकाला होगा, सपोज यहाँ कोई वेल है, कुआं है, और यहाँ पर इस तरह से इसमें पुली लगा हुआ है ये, और यहाँ पर हम सपोज इसे पानी निकाल रहे हैं रस्सी बाल्टी लगा के, ये बकेट लगा के हम क्या कर रहे हैं पानी निकाल रहे हैं, और ये इसे अटैच है, हम रस्सी को इधर खींच रहे हैं, ये F1 है, ये सपोज F2 है। और देखो अभी हम जब F1 लगा रहे हैं जिसमें F2 लग रहा है, क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया हो रही है तो बैलेंस बना हुआ है, लेकिन आपको पता है कि अचानक ये रस्सी टूट जाए तो ये आदमी क्या होगा, खींचने वाला इधर गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रतिक्रिया बल लगना बंद हो गया। मतलब कोई भी वस्तु बैलेंस में तब होता है जब उसमें प्रतिक्रिया बल लगता है। देखो यहाँ पर पुस्तक बैलेंस में है क्योंकि अभी इसमें प्रतिक्रिया बल लग रहा है, दोनों बराबर हैं। सपोज ये पुस्तक की जगह में इस छोटे से टेबल में मैं 200 टन का कोई वजनी सामान रख दूँ तो टेबल टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा? क्योंकि उसने प्रतिक्रिया बल नहीं लगाया, प्रतिक्रिया बल नहीं लगाने से बैलेंस में नहीं रह पाएगा। तो न्यूटन ने बताया था कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्लियर? तो ये मैं आज आपको इसके रूल्स बता रहा हूँ और तीनों रूल को आप अच्छे से तैयार कीजिए इसके बाद, क्योंकि ये बेसिक है। और ये बस आज मैं अपने इस लेक्चर को इस रूल पर ही क्लोज कर रहा हूँ। इसके बाद ये तीनों रूल के बेस पर जो पढ़ा जाने वाला है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसको मैं पहले से आज की वीडियो में ही आपको बता देता हूँ। पहला तो आप पढ़ेंगे संवेग संरक्षण का सिद्धांत, जो कि इस चैप्टर का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत के आधार पर ही रॉकेट छोड़ा गया। फिर हम यहाँ पर पढ़ेंगे न्यूटन के इस नियम के, क्योंकि उसमें थर्ड रूल भी लागू होता है। और संवेग संरक्षण के आधार पर जैसे रिकॉल वेलोसिटी होता है, गन चलाते हैं तो पीछे शॉक लगता है, ये सब बहुत से जो कॉन्सेप्ट हैं वो इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। क्लियर? तो आप इतना पहले इस लेक्चर पे तैयार कीजिए और सेकंड लेक्चर के लिए आप रेडी रहिए। ओके, थैंक यू।